अगर आप भी मेरी तरह इंडियन आर्ट्स को पसंद करते हैं और लिपन आर्ट को पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिगनर्स से लेके प्रोफेशनली आप लिपन आर्ट के लिए बेस कैसे रेडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी आर्ट पीसेस को बनाया है, उनके लिए बेस रेडी किया है, वही सब मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमिता और मेरे चैनल पर आप लिपन आर्ट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, इंडियन आर्ट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर चार तरह से लिपन आर्ट के लिए बेस रेडी करना बताऊँगी, जिसमें कि हम सीखेंगे कि हम कैसे लिपन आर्ट के लिए बिगनर्स टू प्रोफेशनल बेस रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिगनर्स से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके लिए ये सीखना बहुत आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड की कटिंग ली है जिनके ऊपर की मैं आज बेस रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टार्टिंग में ही एमडीएफ बोर्ड के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने बोर्ड के ऊपर लिपन आर्ट कर लिया, अपने एमडीएफ बोर्ड के ऊपर लिपन आर्ट कर लिया, तो उसको निकालना फिर काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह के कार्डबोर्ड को ले सकते हैं जिससे कि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह के बेस को बनाते हुए या तो आप वाइट कलर ले सकते हैं या फिर जैसो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक्सेस कलर या फिर जैसो अप्लाई नहीं करना है। आपको इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से काफ़ी कम कलर लगाना है जिससे कि आपका जो कार्डबोर्ड है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अब इस तरह के कार्डबोर्ड के ऊपर आप कोन के साथ बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। मैंने बहुत से आर्ट पीसेज इस तरह से बनाए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और काफ़ी लंबे टाइम तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं। जैसे कि ये आर्ट पीस मैंने कोन के साथ और वेस्ट कार्डबोर्ड के साथ ही बनाया है। अब चलिए जल्दी से दूसरा बेस रेडी कर लेते हैं। ये वाला जो बेस है ये मैं मोस्टली तब यूज़ करती हूँ जब मुझे इस तरह के ऑर्डर मिलते हैं कि उन्हें जो उनका जो लुक है लिपन आर्ट का वो एकदम से मॉडर्न भी नहीं होना चाहिए और एकदम से ट्रेडिशनल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का बेस बनाने के लिए आपको सेरेमिक पाउडर लेना है और उसमें आपको जैसे आपने 2 स्पून अगर सेरेमिक पाउडर लिया है तो आपने उसमें 1 स्पून फेविकोल मिक्स करना है और 1 स्पून आपको उसमें पानी डालना है और उसके अंदर आप जो भी कलर चाहें वो भी डाल सकते हैं। आपका जो लिक्विड है, आपका जो पेस्ट है, वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और इससे पतला भी नहीं। अब इस बेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार जब हम इसको स्प्रेड करते हैं तो ये बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि सबके पास अच्छे से टूल नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ मेरे पास भी नहीं है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जब ये हल्का सा सूख जाए तो आपको अपने हाथ पर पानी लेके इसको बिल्कुल इक्वल कर देना है। अब यहाँ पर जो बेस हम बनाने वाले हैं वो हम चौक मिट्टी के साथ बनाएंगे। ये वाला जो बेस मैंने यहाँ पर बनाया है ये पहले टाइम में बनाया जाता था ट्रेडिशनल तरीके से, जब लिपन आर्ट घरों के ऊपर करते थे, दीवारों के ऊपर करते थे, तो इस तरह से मिट्टी लेते थे और मिट्टी के अंदर गोबर वगैरह भी वो ऐड करते थे और जो पेस्ट वो रेडी करते थे उसको अपने हाथों से जो पुराने घर होते थे, मिट्टी वाले घर होते थे, उनके ऊपर अप्लाई करते थे, मतलब लीपते थे। जो ये लीपना शब्द है, जो लिपन आर्ट हम बोलते हैं, वो लीपना से ही आई है। जैसे मैं यहाँ पर ये बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, इसी तरह से वो अपने घरों के ऊपर इसको लीपते थे और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर जो आर्ट हैं वो बनाते थे। ये जो आर्ट हैं ये मोस्टली कच्छ में बनाई जाती थी, गुजरात में, और अभी भी वहाँ पर ये काफ़ी ट्रेंड में है और पूरे जो वर्ल्ड में है ये वहीं से आर्ट आई है और काफ़ी फेमस हो रही है। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ ये फेमस होती भी रहे, क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्ट्स है, हमारा कल्चर है, वो बहुत अच्छा है और हमें चाहिए कि जो हमारी आर्ट्स हैं हम उसको ऐसे ही प्रमोट करते रहें ताकि आगे तक जो हमारी आर्ट्स हैं वो इसी तरह से पहुँचती रहे। अब ये फाइनली जो मैंने यहाँ पर बेस बनाया है, यहाँ पर मैंने चौक पेंट के साथ ये बेस बनाया है। चौक पेंट आप तब कर सकते हैं जब आपको काफ़ी जल्दी कुछ रेडी करना हो। इससे क्या है, जब हमारा बेस है उस पर हमें मोस्टली जैसो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काफ़ी जल्दी भी सूख जाता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है हमारा एक्रेलिक कलर के साथ बेस। ये जो बेस है ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इसमें शाइन आती है और इस तरह के बेस के ऊपर काफ़ी अच्छा जो हमारा आर्ट का लुक है वो भी आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब इस तरह से आप बेस रेडी कर रहे हों तो आपको इससे पहले जैसो ज़रूर अप्लाई करना है और जो आपके कलर्स हैं उनको स्पंज की हेल्प से सेट भी करना है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके बेस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब ये देखिए जो हमारे बेस हैं वो
अभी ड्राई हो गए हैं, फाइनल लुक के लिए एकदम तैयार हैं। और इस तरह के जो आर्ट पीसीज हैं वो इस तरह के बेस के ऊपर आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल बनाना है और क्ले के साथ काम करना है तो चौक मिट्टी वाला बेस काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसके बाद सेरेमिक पाउडर वाला जो बेस है वो भी एकदम ड्राई हो गया है, हल्का सा सूखने के बाद मैंने हल्का सा पानी उसके ऊपर अप्लाई किया था। और ये वाला जो हमारा बेस है ये एक्रेलिक कलर्स से है, और ये बेस मैंने बनाया था यहाँ पर, ये कपड़े के साथ मैंने बेस बनाया, जैसे कि कैनवास बनाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ये भी शेयर कर दूँगी। अभी भी बेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।